नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एम लेटर, डबल ओ लेटर और यू लेटर की हेल्प से नवरात्र और दिवाली पर बहुत ही आसानी से माता दुर्गा जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको पेंसिल की हेल्प से पहले प्लस सिंबल बना दीजिएगा। प्लस सिंबल बनाने के बाद आपको एम लेटर कैसे लिखना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। पहले एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, फिर इसके बाद दोस्तों एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करिएगा। देखिए, एम लेटर आपको लिखना होगा पहले, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ऊपर की तरफ बढ़ाने के बाद अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा, इसको हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा एम लेटर। एम लेटर लिखने के बाद अब आपको इस साइड एक ओ लेटर यहाँ पर छोटा सा लिखना होगा। एक ओ लेटर आप इधर ऐसे लिख दीजिएगा और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर माता दुर्गा जी की जय जरूर लिखिएगा। अब आपको इस साइड एक छोटा सा यू लेटर लिखना होगा। यहाँ से ऐसे यू लेटर लिखिए, फिर इसको आप ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद नीचे की तरफ हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको इस साइड नीचे के ही साइड में एक बड़ा सा यू लेटर लिखना है। यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इस एम लेटर के साथ यहाँ पर टच कर देंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और आज हम आपको माता दुर्गा जी को कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब आपको ऊपर के ही साइड में यहाँ से देखिएगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा। इधर भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, एक हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इस लाइन को आगे की तरफ मिला दीजिएगा। छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करिएगा। फिर से आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा, यहाँ पे लाइन को मिलाना होगा। लाइन को मिलाने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा हाफ सर्किल और बनाइएगा, फिर इसको आप ऐसे डबल करेंगे। एक बड़ा सा ऊपर के साइड में हम लीव्स बना देंगे। इधर से ऐसे मिलाइए, फिर इस साइड आप ऐसे मिलाइएगा, इसको डबल कर दीजिए। यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद आपको बनाना है माता दुर्गा जी का पहले आई बना दीजिएगा। यहाँ से ऐसे करिए, आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से भी आप ऐसे ले जाइएगा, फिर नीचे की तरफ सर्किल का यूज करते हुए यानी ओ लेटर का यूज करते हुए आप इधर ऐसे मिला देंगे। इसके बाद आपको आईब्रो बनाना होगा, यहाँ से भी ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। बीच में आप एक आई और बना देंगे, छोटा सा यहाँ पर डॉट लगा देंगे। इस ओ लेटर को आप मार्कर या पेंसिल की हेल्प से डार्क कर दीजिएगा। डार्क हो जाने के बाद दोस्तों जस्ट बगल से आपको माता दुर्गा जी का ईयर बनाना होगा। यहाँ से भी ऐसे बनाइए, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे के साइड में ऐसे ले जाइए, एक बार और करिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ ले जाइएगा। फिर इसके बाद आपको यू लेटर लिखना होगा, यहाँ पर मिलाइए। देखिए कितनी आसानी से माता दुर्गा जी का चित्र बनकर तैयार होने वाला है। इस साइड से आपको माता दुर्गा जी का हेयर बनाना होगा। हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए इधर ले जाइए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे ले जाइएगा। फिर आपको दुर्गा जी का यहाँ पर नेक बनाना होगा, इधर ऐसे मिलाइए। इसको आप ऐसे डबल करिएगा। डबल हो जाने के बाद छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर हम मिलाएंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको नोज़ बनाना होगा। यहाँ से ऐसे ले जाइए, हल्का सा हाफ सर्किल इधर, फिर उधर उठाइएगा। अब आपको दुर्गा जी का यहाँ पर लिप बनाना होगा, ये नीचे की तरफ ले जाइए और इसको हम ऐसे मिला देंगे। छोटा सा यहाँ पे सर्किल, फिर इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट लगाते हुए इधर आप ऊपर के साइड में बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों हल्की सी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इधर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब आपको अंदर के साइड में भी हल्का सा हेयर बनाना होगा। यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, इधर भी आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। यहाँ से भी लाइन को आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर मिलाइए, फिर इसके बाद इधर ऐसे मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इधर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, डबल लाइन इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। डबल लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद ऊपर के ही साइड में आपको छोटे छोटे वी लेटर लिखने होंगे। इधर भी आप ऐसे छोटे छोटे वी लेटर लिखेंगे, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। यहाँ से भी हम आगे की तरफ लाइन को बढ़ा देंगे। इस साइड आप छोटा सा एक हाफ सर्किल बनाइएगा, इधर भी हाफ सर्किल हम बनाएंगे, फिर इसको अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे डबल करिएगा। बीच में आपको इस दिए को जला देना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से एम डबल ओ और यू लेटर की हेल्प से माता दुर्गा जी का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ से आप ऐसे हल्का सा और डार्क कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम माता दुर्गा जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।